यो 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 एनिमल लवर्स, बिजी हेटर वेटर बन रहे हुए आजकल, लॉल. ये सब अभी छोड़ो. आज अपन देने वाले हैं अपना ज्ञान ऑन 1031 चैप्टर एक टुकड़े का. मैं आठ नहीं खाना चाहता लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, सॉरी. वैसे तुम लोग इंट्रो के लिए तड़प रहे हो मुझे पता है, लेकिन मुन्ना मैं भी बिली बिली के पैसों के लिए तड़प रहा है. वेट, तुम्हें नहीं पता बिली बिली क्या है? बिली बिली एक्चुअली बिलीबिली कॉमिक्स एक बहुत स्वाद वेबसाइट है जहाँ पे तुम सेक्सी सेक्सी कॉमिक्स पढ़ सकते हो और ये एकदम फ्री का है. और फोकट का माल तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ये माल तो कड़क भी है. डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिंड लिंक मिल जाएगा, देख लेना एक बार, चेकआउट कर लेना. इंग्लिश भी बोल दिया और अब इंट्रो बजा ही देता हूँ. लेट्स बिगिन. वैसे बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं चैप्टर के सेकेंड हाफ से ज़्यादा फर्स्ट हाफ को एंजॉय किया. द होल बिग मॉम किड लॉ फाइट मस्त यार, मेरे को पता नहीं अभी भी इनका ही फाइट देखने का है. एक्चुअली द थिंग इज, मेरे को बिग मॉम को फुल पोटेंशियल में लड़ते हुए देखने का है. अभी तक तो बुढ़िया बस खेल रही थी और खेल खेल में लॉ किड उसका बजा दिए. इसीलिए इस चैप्टर में बिग मॉम एक्चुअली में पहले से इफ़ नॉट सीरियस मोटिवेटेड तो ज़रूर दिखी. एंड फाइनली भले ही काइडो के टट्टे बट कोई तो मरा. अभी तक डेथ के नाम पे बकचोदी हो रहा था बट बिग मॉम ने मारा काइडो के कुछ टट्टों को, उनका सोल छीन के आजू बाजू के सामान को दे दी मस्त. लेकिन एक चीज़ को देख के मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ कि बिग मॉम अपना ही सोल खा के बड़ी क्यों हुई यार. लॉक किड हाफ रहे हैं अभी भी और बिग मॉम को थोड़ा सा खून वून बस निकल रहा, मतलब बिग मॉम अभी भी एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे. फिर भी वो और स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्यों अपना सोल खाई? लमा समवन इज फ्लेक्सिंग और वॉट? और किसी ने नोटिस किया कि कैसे काइडो के टट्टों की गलती की वजह से ही उन लोग मर गए? उन लोग ओशिरिको को स्टार्टिंग में बर्बाद कर रहे थे याद है, तो उनका ओशिरिको खत्म हो गया. और जब बिग मॉम पूछी लाइफ या ओशिरिको, हो बैंग गैंग हो गया उनके साथ. और ये जो सोल खाई है बिग मॉम, इससे उसके आंखों में आग आ गया है. इसका क्या सीन है मेरे को नहीं पता बट एक चीज़ है, इस चैप्टर में बिग मॉम अपने डेविल फ्रूट के कूल एबिलिटीज़ को दिखाई है. और जो लोग भी बोलते हैं ना बिग मॉम को वीकेस्ट यॉन्ग को या फिर काइडो से वीक समझते हैं जस्ट बिकॉज उसका डेविल फ्रूट इतना खास नहीं है, लमाओ देख लो इसके डेविल फ्रूट को, अपने डेविल फ्रूट को खा के स्ट्रॉन्ग हो सकती है. ये आग है, ये लिटरली आग है, बिग मॉम भी और उसका डेविल फ्रूट भी. और मैं हॉट ही नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है? और मेरे को पता नहीं था कि हेरा भी काली होती है. वेल, ज्यूस की रिप्लेसमेंट है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक मिनट, वो हेरा थी या हेला थी? जो भी थी वो काली हो सकती है, दिस इज़ न्यू फॉर मी. इसके बाद अपू ड्रेक का चुतियापा दिखाया गया है विथ एडिशन ऑफ यामाटो. ड्रेक दोगला हरकत नहीं किया और वो मना कर दिया अपू का ऑफर. आई वॉन्ट ड्रेक टू किल लवड़े अपू. ऑल्सो अपू के पावर्स को थोड़ा डिटेल में बताया कि कैसे अपू रैंडमली किसी को अटैक नहीं कर सकता बल्कि उसको अपने ओपोनेंट को देख के अटैक करने का होता है. मैं इस चूतिया में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी. ड्रेक भी मरा है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक पे मैं बहुत इंटरेस्टेड है, यामाटो डार्लिंग. वो जल्दबाजी में हरकत की है, थोड़ा क्लैश वैश, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि यामाटो के पीछे एक नंबर लग गया अभी, मतलब वो पंखा साड़ वाला ओनी या फिर ओग्रे जो भी बोलते हैं. और हाँ, एक और चीज़, यामाटो ड्रेक को भी भर दी लमाओ, उसको गिरा के भग गई वो. हाँ, तो जो नंबर यामाटो के पीछे पड़ा है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है. मैं तुमको एक छोटा सा थ्योरी बता सकता है जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया है. यामाटो अगर इस नंबर को अपना पीछा करा के वहाँ पे ले जाए जहाँ पे बॉम्ब्स है और फिर उस पे क्रैश करवा दे, या फिर वहाँ तक इसको ले जा के फिर इसको हरा के इस पे सब बॉम्ब बांध के नीचे फेंक दे ओनिगाशिमा से, तो यामाटो ओनिगाशिमा को फटने से बचा सकती है. किसी के भी दिमाग में आ गया होगा, मेरे को पता है, कॉमन सेंस है. बट यस, यामाटो अपने बिग ब्रेन को यूज़ करके इस चूतिया नंबर का चूतिया काट के ओनिगाशिमा को चूतियापे से बचा सकती है. और CP0 इनका दिखाया थोड़ा सीन. ये लोग रॉबिन ब्रूक वाले फ्लोर में पहुंच गए हैं ऑब्वियसली रॉबिन को पकड़ने के लिए, और ब्रूक रॉबिन भग गए हैं. आई होप दोनों जिम्बे फ्रैंकी के पास जाए और चारों मिलके CP0 की गुद्दी तोड़ दें. एक चीज़ बहुत अजीब लगा कि कैसे CP0 का जो मेन मास्क वाला लौंडा था वो अचानक से गायब हो गया. ये पॉसिबल है कि उसने वो वाला फाइटिंग टेक्निक यूज़ किया, शेव था शायद, जिसमें स्पीड एकदम सेक्सी हो जाता है जो CP0 वाले करते हैं, CP9 वाले किए थे जो. बट ये भी हो सकता है कि दिस इज़ अ डेविल फ्रूट एबिलिटी. एक्चुअली ये कुछ डेविल फ्रूट एबिलिटी ही है मोस्ट लाइकली, क्योंकि फ्श का साउंड आया है इसके डिसअपीयरेंस से.
मतलब ये लौंडा गायब ही हुआ है। एंड अबाउट सेकेंड हाफ, वैसे मेरे को फर्स्ट हाफ बेटर लगा, बट सेकेंड हाफ सांजी के ऊपर फोकस किया, एंड यू नो मेरे को सांजी कितना पसंद है, तो आई लाइक दिस पार्ट टू। और शायद से शिट हो चुका है, सांजी ने शायद फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक औरत को हर्ट किया, एंड सैड थिंग इज कि उसको पता ही नहीं है, ना ही उसको विश्वास हो रहा है कि उसने उस वुमेन को हर्ट किया। सांजी के एक्सप्रेशंस को जिस वे में ओडा ने ड्रॉ किया है, माइंड ब्लोइंग। अच्छा लग रहा सांजी को डरा प्लस कन्फ्यूज देख के। फॉर अ मोमेंट फ्लैशबैक में सांजी का एक रूड लुक दिखा, मोर लाइक एक कोल्ड लुक, और सांजी का मेमोरी क्लियर नहीं है। आई मीन उसको ये याद है कि वहाँ पे वो औरत थी, और ये भी याद है कि उसका लुक कोल्ड हुआ था, लेकिन ये याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। उसको बस अचानक से इंजर्ड औरत दिखी जो कि उससे डर रही थी। प्रिटी क्लियर कि ये सांजी ने किया है। नाउ नाउ नाउ, इस चैप्टर से आई बिलीव बहुत सांजी फैंस खुश होंगे, क्योंकि सांजी का वे ऑफ थिंकिंग इवन आफ्टर दिस इंसिडेंट बहुत मैच्योर लगा मेरे को। ही वॉज लाइक ही एक्सेप्टेड इट, और फिर उसने खुद ही से सोचा कि लूफी तुझे कैसा मैं चाहिए तेरे ड्रीम के लिए, वो जो ठरकी है या फिर ये वाला जो कोल्ड है। एंड बूम, सांजी ने एक्चुअली अपना रेड सूट उड़ा दिया बहुत सोचने के बाद, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट अ डम्ब मूव। बट ऑल्सो ये भी सोचो कि सांजी किस वे में ट्रॉमेटाइज्ड है जर्मा के नाम से। ऑब्वियसली वो अपने आप को एक जर्मा का टट्टा नहीं बनाना चाहता, अगर लूफी बोले तो शायद वो बन जाए, बट लूफी बोलेगा ही नहीं ना, एंड ही नोज इट। एक बहुत ब्रोसम मोमेंट भी दिखा बिटवीन जोरो एंड सांजी। सांजी ने जोरो के जेब में डेंटन मुझे रख दिया था ताकि वो घूम ना हो जाए, लमाओ। सांजी कॉल करके उसको जो बोला ना, अच्छा लगा सुन के कि अगर ये वॉर खत्म होने के बाद, जो कि ऑब्वियसली हमारे जीत के साथ खत्म होगा, अगर मैं नहीं रहा तो मेरे को मार दियो। एंड जोरो इज लाइक, अब मिला ना कुछ करने के लिए, इसका मतलब तेको भी तब तक जिंदा रहना होगा। दिस डुओ इज बेस्ट यार, लूफी लो, लूफी जोरो, नहीं यार, जोरो सांची को बेस्ट डुओ बोलना है तो बता। एंड देन सांची क्वीन की गांड मारा, वो भी अचानक से गायब होके, एंड देन पूरा आग का बन के। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांची एक्चुअली में अब बिना रेड सूट के गायब हो सकता है? इफ दिस इज इट देन वो सेक्सी। और कैसे सांची पूरा आग में है भाई, पहले भी ऐसा कुछ किया है क्या उसने? शायद किया है, आई डोंट नो। बट एक चीज जो मेरे को पता है कि चैप्टर यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। आई होप नेक्स्ट चैप्टर बिग मॉम पे ही फोकस्ड रहे, उसको देख के मजा आ रहा है भाई। मैं तो चाहता है कि लॉ किड गंदे से हारे उससे, आई मीन दैट्स बेस्ट फॉर द प्लॉट बिच। ओ हाँ, जोरो किंग से लड़ते हुए दिखा, किंग अपने बीस्ट फॉर्म में था ना कि अपने हाइब्रिड फॉर्म में, क्या सीन है पता नहीं, बट जोरो बहुत दिक्कत में तो नहीं दिखा। एंड सांजी, फ्यूचर में हम और उसका कोल्ड मोड देख सकते हैं, समवॉट लाइक हाकुबा। अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी टाइप्स कुछ दिखा ना तो इंटरेस्टिंग होएगा। इमेजिन सांजी के सामने कोई फीमेल विलेन है लाइक डेवॉन, सांजी पहले सोचा नहीं मारूंगा, बट देन बूम कोल्ड मोड, और डेवॉन का भूत फटा हुआ मिलता है 2 मिनट बाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, सांजी कुछ जुगाड़ लगा लेगा, आई मीन ही इज सांजी। मेरे को क्या लग रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में ना लूफी दिखेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद ओडा सेक्सी चैप्टर लाते हैं, तो सेकेंड हाफ के एंड में लूफी दिख सकता है, या फिर जोरो किंग, मे बी CP0। हाँ, CP0 भी एक्शन ले लिया है ना, एंड मैं सच्ची में चाहता है कि मैं बिग मॉम को फुल पावर में लड़ते हुए देखूं, मतलब मस्त कोटिंग इन्फ्यूजन करके जब किड को मसलेगी वो, इश सेक्सी। बाय द वे, लॉ मेरा 5th फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है, तो नो हेट फॉर लॉ एंड किड, ठीक है, इट्स जस्ट वो लोग बिग मॉम को हरा नहीं सकते, एंड दैट इज अ फैक्ट, बिग मॉम विल क्रश हर सून, एंड आई वॉन्ट टू सी दैट सून। सो चुन्नूस एंड नुन्नूस, हो गया वीडियो, खानदानी परंपरा करो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन। एक मिनट, मैंने तुमको चुन्नू नुन्नू बोला तो कोई ऑफेंड मत हो जाना यार, फिर आरवी सर के स्ट्रीम में जाके बोलोगे आई डोंट लाइक बिकॉज ही डज नॉट रिस्पेक्ट मी लमाओ। वीडियो का तारीफ कर दो कमेंट्स में, ठीक है, वैसे भी आजकल लोग मेरे को पसंद तो करते नहीं है, दूसरे के लाइव में जाके उनको बोलते कि मैं इज्जत नहीं देता ऐसा वैसा। अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूँ, जो कि किसी के हिसाब से मैं नहीं देता तुम्हें, तो जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स कराओ, 2000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद मेरे तरफ से बहुत इज्जत तुमको। बिली बिली को भी देख लेना एक बार। हाँ, आई एम बैक ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, और 8 सवाल के अलावा यूट्यूब के टिप्स या फिर मीम्स शेयर करने के लिए कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, लाइव टिप्स भी दे देगा मैं तुमको, ठीक है, सबकी सेम्पटिंग करा देगा मैं। हाँ, मीम्स याद आया, डिस्कॉर्ड भी देख लेना, नया बनाया है बे, बकचोद लौंडे चाहिए, तुम हो तो वहाँ पे आके थोड़ी बकचोदी फैला देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ सुनने मिलेगी, जो कि एक थ्योरी वीडियो होने वाले सबों पे फाइनली, तो बाय बाय। सायोनारा। उमाए वामू। शिंदेयो।